फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक सूप की रेसिपी, इम्यूनिटी बूस्टर सूप। जब भी हम सूप पीने का सोचते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत टाइम टेकिंग काम है, लेकिन आज मैं उस काम को बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि कितना झट से आप इस सूप को बना सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर इसलिए भी है क्योंकि इसे पीने के बाद शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये सूप बढ़ा देता है। तो इतना आसान और टेस्टी सूप है ये। रेसिपी को देखने के लिए बने वीडियो के एंड तक, और अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपको कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, टुकड़ों में कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, आधा गाजर जिसका स्किन मैंने निकाल लिया है, और एक छोटा बीटरूट जिसको मैंने छील लिया है पहले से ही। अब दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है, गाजर और बीटरूट को। तो सभी सामग्री रेडी हो चुकी है। चलिए उसमें हम डालेंगे 2 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, पतला सा लिया है अदरक का टुकड़ा मैंने। अब सभी सामग्री को हम गर्म कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पर गैस को मैंने लो रखा है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 3/4 ग्लास पानी। अब सभी सामग्री को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से। और याद रखें, यहाँ पे गैस को हमने लो फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इसको बॉईल करेंगे और कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट कुक करेंगे हम, ढक कर पकाएंगे इसको। अब 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। टमाटर, गाजर और बीटरूट हमारा बहुत बढ़िया से गल चुका है यहाँ पे। तो देखिए कितना आसान तरीका है इसको उबालने का और कुक करने का। अब यहाँ पे गैस को मैं बंद कर दूंगी और सभी सामग्री को पीस लूंगी मिक्सी के जार में। इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है मिक्सी में पीसकर। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। कढ़ाई में ही मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था हल्का सा। पानी को मैंने डाल दिया है, इसको मैं फिर से एक बार मिक्सी में चला लूँगी। अब यहाँ पे हमारा फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है, तो हम इस पेस्ट को अब छान लेंगे छन्नी की सहायता से। अब छानते वक्त अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डालने वाले हैं। बढ़िया से पल्प नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से कलर भी आ चुका है इसमें। अब थोड़ा सा पानी लगने वाला है तो मैं पानी डालूंगी पहले 1/2 कप, और अच्छे से इसको छान लेना है, बिल्कुल सारा पल्प इसमें से निकाल लेना है। मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ, और इस तरीके से आप छान लेंगे तो पूरा पल्प हमें मिल जाएगा। और जो ऊपर जो चूरा बचा हुआ है उसको हम फेंकने वाले हैं अभी। सूप हमें मिल चुका है नीचे बाउल में, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर और बढ़िया कंसिस्टेंसी उसकी आ चुकी है। चलिए अब इसको हम तड़का लगाने वाले हैं सूप को। अब कढ़ाई को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी प्योर घी 1 चम्मच। प्योर घी को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे घी की जगह पर आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। 1/8 टीस्पून मैंने जीरा डाला है, जीरा से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो छान के रखा हुआ जूस, उसको मैं डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, लगभग 1/2 कप पानी मैंने फिर से डाला है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आ चुकी है। चलिए इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल देते हैं अभी। अब हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो मैंने 1/4 टीस्पून डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डाला है चीनी, और थोड़ा सा पेपर पाउडर। पेपर पाउडर आपके पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अब थोड़ा सा बटर डाल देंगे, बटर से इसका टेस्ट और बढ़िया बनने वाला है। सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अगर आपको इतनी थिक पसंद हो तो आप इस तरीके से पी सकते हैं, या फिर पतली पसंद हो तो पानी भी डाल सकते हैं। गैस को मैंने अब बंद कर दिया है,
अब इसको सर्व करेंगे एक बाउल में। लीजिए, तैयार है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर सूप, क्योंकि इसमें गाजर, बीटरूट और टमाटर है, तो है ना ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला सूप। और बीटरूट के कारण, गाजर के कारण हीमोग्लोबिन का स्तर भी खून में बढ़ जाता है, तो इतना हेल्दी सूप है। इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया के साथ, ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। और ऐसा गरम गरम सूप अगर आप रोज़ाना पियेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होने वाला है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।